माँ बगलामुखी धाम नजदीक लम्मा पिंड चौक हुशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक माँ बगलामुखी हवन यज्ञ करवाया गया। सबसे पहले पंडित अविनाश गौतम एवं पंडित पिंटू शर्मा ने नवग्रह पंचोपचार गौरी गणेश कुंभ पूजन माँ बगलामुखी के निमित्त माला जाप कर मुख्य यजमान अमित गुप्ता से सपरिवार पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई। वहीं नवजीत भारद्वाज द्वारा हवन कुंड में डाली जा रही आहुतियों के दौरान हवन कुंड की पवित्र अग्नि में से ओम की आकृति प्रकट हुई, जिसके दर्शन कर सभी भक्त अपने आप को धन्य महसूस करते नजर आए। यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों को आहुतियां डलवाने के बाद नवजीत भारद्वाज ने आए हुए मां भक्तों से अपनी बात करते हुए कहा कि जब भी समय मिले जाप जरूर करें, भगवान के प्रति आस्था रखकर निस्वार्थ भाव से भक्ति करें। भक्ति ईश्वर प्राप्ति का माध्यम है। गलतियां सभी से होती हैं, लेकिन मानव जीवन में हम परमात्मा के नाम का सुमरण नहीं करके सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। वही हवन यज्ञ के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग एवं सैनिटाइजेशन का खास ध्यान रखा गया। इस अवसर पर एडवोकेट राजकुमार, गितेश, राकेश प्रभाकर, गोपाल मालापानी, मधुकर, विवेक शर्मा, रमाकांत शर्मा, रोहित बहल, बाबा जोशी, अमरेंद्र कुमार, मुकेश चौधरी, मोहित बहल, राजेंद्र कत्याल, अभिलक्ष्य चुग, अशोक शर्मा, जसविंदर सिंह, गुरबाज सिंह, गुलशन शर्मा, संजीव, राजेश महाजन, यज्ञ दत्त, अश्विनी शर्मा, मानव शर्मा, बाबा खन्ना, मानवी भार्गव, राजीव, राकेश ठाकुर, बलदेव सिंह, लक्की, सुनील जग्गी, प्रिंस दिनेश चौधरी, पंकज, पप्पू, मानव शर्मा, दीपक सहित भारी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। आरती उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भी वितरित किया गया। जलंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बाबा की रिपोर्ट। कोई भी सर्वगुण संपन्न नहीं होता जब तक उसका इष्ट पुरुष को संपूर्णता या सर्वगुण संपन्न नहीं होने की इच्छा रखता। हर बंदे के कोल गलतियां होती हैं, उच्चारण के विच गलतियां होती हैं, हवन करने के विच गलतियां होती हैं, मुद्रामा के विच गलतियां होती हैं। संपूर्ण सिर्फ परमात्मा अपने भगत नूं कर सकता है। इसलिए सब तो पहला का जिहड़ा भाव तुहाडा हो होवे वह निस्वार्थ होवे, उहदी आस्था पूर्ण रूप च परमात्मा दे उत्ते होवे, तुहाडे अंदर एक चिंगारी होनी चाहीदी है। जिस तरह किसी भी अग नूं हिलाउण दे उत्ते थल्ले चिंगारियां निकल दी है, इस तरह ही तुहाडे अंदर एक भाव होना चाहिए अपने सतगुर के लिए कि मैं कुछ अर्जित करना है। ये भाव इदा दा ही होना चाहिए जिदा अपनी एक माँ का पुत्र के लिए, एक प्यो का अपने बच्चों के लिए होना। मतलब भाव प्रगट किदा करना, किस तरीके तकर तुहाडी डेडिकेशन होनी चाहिए है प्रभु के नाम। करा बगलामुखी माता जी का बोल साचे दरबार की जय। जय माँ बगलामुखी जी। अज माँ बगलामुखी धाम जो कि पिताम्बरा माँ का प्रसिद्ध स्थान है, गुलमोर सिटी नज़दीक लम्मा पिंड चौंक से स्थित इस माँ के भव्य मंदिर के विच हर वीरवार की तरह इस वीरवार भी एक विशाल अलौकिक हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिस दे विच बड़ी बड़ी दूरों संगतां ने आ के महामाई के चरणों के अरदास बेनती की और हवन यज्ञ के आहुतियां डालियां। अज माँ के इस हवन के बहुत ही माँ के स्वरूप अग्नि रूप के देखने मिले, कई भगतों ने दर्शन किए हैं और अपने आप को बहुत बड़भागी समझते हैं। मैं समूह साध संगत को यह बेनती करना है कि हर वीरवार को माँ बगलामुखी जी के निमित्त हवन यज्ञ होता है, धाम के आओ और अपने जीवन में सफल बनाओ हवन यज्ञ आहुतियां पा के। इस तरह ही श्री शनिदेव महाराज जी के निमित्त हर शनिवार को शाम को 6 to 7 बजे हवन यज्ञ का आयोजन किया जाता है। आप भी आओ, अपने रिश्तेदार सगे संबंधियां मित्रगणा के नाल आ के दाती के चरणों अरदास बेनती करो और अपनिया झोलियां खुशियां के नाल भर के जाओ।